फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 14 अक्टूबर 2021। 14 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत पे का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रजनीश कुमार जी को। बात करें भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए हैं। रजनीश कुमार कंपनी की अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों को प्रभावित करने में शामिल होंगे। वह प्रमुख नियामक और व्यावसायिक पहलों पर अन्य बोर्ड सदस्यों और मुख्य अनुभव अधिकारी के साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रजनीश कुमार जी। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। साथ ही में आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी देश ने। बात करें जर्मन रेल ऑपरेटर डायचे वाहन और औद्योगिक समूह सीमेंस ने 11 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन लॉन्च की। इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया है। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक समय की पाबंद और ऊर्जा कुशल है। जर्मनी ने उत्तरी शहर के यस बान रैपिड अर्बन रेल नेटवर्क में ऐसी 4 ट्रेनों को जोड़ने की योजना बनाई है। चलिए आपको जर्मनी के बारे में बताते हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर, चांसलर एंजेला मार्कल जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, करेंसी है यूरो, नेशनल डे 3 अक्टूबर। बात करें पार्लियामेंट नेम की तो बुनेस्टाग जो कि लोअर हाउस और पुनेसराट जो कि अपर हाउस है। चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपने देश इंडिया को। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो नई दिल्ली को रणनीतिक तेल भंडार को 90 दिनों की जरूरत तक बढ़ाना होगा। इस समय भारत का सामरिक तेल भंडार अपनी जरूरत के 9.5 दिनों के बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में 30 सदस्य देश और 8 सहयोगी देश हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने G20 असाधारण नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 अक्टूबर 2021 को G20 असाधारण नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए G20 असाधारण नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम G20 इतालवी अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वेस्टबरी गुफा जहां विलुप्त हो चुके हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म खोजा गया है वह किस देश में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूके देश में। बात करें पैलियंटोलॉजिस्ट्स ने यूके में वेस्टबरी गुफा से हिप्पोपोटामस एंटिकस पे जीवाश्म ऊपरी ताड़ के दांत की खोज की है। यह हिप्पो की एक विलुप्त प्रजाति है जो 1 से 2 मिलियन वर्ष पहले यूरोप में गर्म अवधि के दौरान रहती थी। कहा जाता है कि यह प्रजाति आधुनिक अफ्रीकी हिप्पो से काफ़ी बड़ी थी जिसका वजन लगभग
3 टन था। यह जलीय आवासों पर अधिक निर्भर होने के लिए जानी जाती है। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे कमेंट जरूर करें, साथ ही में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। हाल ही में खबरों में रहा जेजेरो क्रेटर किस अंतरिक्ष पिंड में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मार्स यानी मंगल ग्रह पे। बात करें जेजेरो क्रेटर को मंगल की सतह पर शुष्क हवा से छत विछत क्रेटर के रूप में जाना जाता है। हालांकि नासा के परसेवरेंस रोवर द्वारा ली गई छवियों के पहले वैज्ञानिक विश्लेषण ने पुष्टि किया कि जेजेरो क्रेटर कभी एक शांत झील था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाद संशोधन बिल 2021 को वापस लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान सरकार ने विवादास्पद विवाद संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है। इस विधेयक के जरिए राजस्थान में बाल विवाह को मान्यता और बढ़ावा देने के आरोप सभी सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने लगाया था। राजस्थान के सभी जिलों में बाल विवाह भी एक सामाजिक चुनौती बनी हुई है। चलिए आपको राजस्थान के बारे में बताते हैं। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री कलराज मिश्र जी। कैपिटल जयपुर। फर्स्ट सीएम हीरालाल शास्त्री जी। फर्स्ट कॉर्नर ग्रुप मुख निहाल सिंह जी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांति जी। बात करें स्टेट डांस की तो घूमर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को एक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है, जिसे सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और रेजिलियंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से भारत में SFB व्यवसाय करने के लिए स्थापित किया गया है। चलिए चलते हैं आपको RBI के बारे में आते हैं। बात करें RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख जी। बात करें फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर, जरूर याद रखें KJ उदेशी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI 1 रुपये के नोट को छोड़कर सारे नोट्स को इशू कर सकता है। बात करें करेंसी नोट्स में 15 लैंग्वेज का यूज किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 13 लोगों की मौत हो रही है। बात करें WHO ने दुनिया भर में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को लेकर डराने वाली रिपोर्ट जारी की है। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में हर मिनट लगभग 13 लोगों की मौत हो रही है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 की अगुवाई में शुरू की गई बैठक में WHO ने अपनी विशेष रिपोर्ट जारी करते हुए चेतावनी भी जारी की है। चलिए चलते हैं आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलाहाबाद हाई कोर्ट के। बात करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल का जन्म 16 अप्रैल 1961 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विधि स्नातक करने के बाद सितंबर 1985 से पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में विधिकार शुरू किया। वे वकालत करने के दौरान हरियाणा राज्य की ओर से सतलज यमुना विवाद में बनी ईडी ट्रिब्यूनल में हरियाणा सरकार के पक्षकार थे। चलिए आपको
इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं हेतु निम्न में से कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 20 करोड़ डॉलर की। बात करें भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि किर्गिस्तान के विदेश मंत्री रुसलान कजाक बायोम के साथ सद्भावनापूर्ण और रचनात्मक बातचीत हुई है। विकास परियोजना में मदद करने के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा पर सहमति जताई गई है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टोटल 43 पदक अपने नाम किए। भारत ने लीमा में हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 17 स्वर्ण समेत 43 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय निशानेबाजों ने पेरू की राजधानी लॉस पाल्मास निशानेबाजी परिसर में जूनियर स्तर के शीर्ष प्रतियोगिता के आखिरी दिन सभी उपलब्ध 12 पदक जीते हैं। इसमें विजय वीर सिद्धू, रिदम सांगवान, अर्जुन सिंह चीमा और शिखा नरवाल ने अंतिम दिन भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं, जिससे स्वर्ण पदकों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। भारत ने इसके साथ 16 रजत और 10 कांस्य पदक भी जीते हैं। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। रिदम सांगवान और विजय वीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन रंजीश कुमार जी ने किया है। बात करें विश्व घटिया दिवस हाल ही में 12 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है। बात करें पाकिस्तान देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सुनील छत्री जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं वे फुटबॉल खेल से जुड़े हुए हैं। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है। दोनों का नाम है त्रिशूल और गरुड़। बात करें हाल ही में बेनियामिन जी ने वायलर पुरस्कार जीता है। बात करें राजस्थान राज्य के रहने वाले 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी थी। बात करें तेलंगाना राज्य का राज्य चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में खबरों में रही डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी नासा से संबंधित था। क्वेश्चन टू था, बंदरगाह से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय नौवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का क्या नाम है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी माई पोर्ट एप्लीकेशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है। क्वेश्चन टू है आज का, किस अंतर्राष्ट्रीय मंच ने स्वच्छ और स्वस्थ परिवहन तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ऐसे ही डेली वीकली मंथली और शॉर्ट जी के GS ट्रिकी वीडियोस के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही में PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन स्टूडियोज को ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।